अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो खैर खैरियत से होंगे। तो शाम की चाय बन रही थी और सर आयरिश लोग आ गए थे। आयरिश ने कहा कि खाला क्यों ना शाम की चाय के साथ कुछ चीज़ बना ली जाए। तो बाजू कहती चली जाए, आइए आप लोगों को खिलाते हैं आटे का हलवा। तो यहाँ पर बाजू ने सबसे पहले पानी को गर्म कर लिया था। पानी गर्म करने के बाद उन्होंने ऐसे किया कि आटे को अलग उन्होंने भून लिया था अच्छे तरीके से, ताकि उसमें कच्चा जायका ना आए। देन उन्होंने ऑयल या घी गर्म किया, और हमने घी गर्म किया। उसके अंदर उन्होंने ऐड किया था सौंफ, जो आटा भुना हुआ था उसको इसके अंदर मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से, उनको भून लिया था ताकि उसमें कच्चा बन ना रहे। देन हम लोगों ने देखा कि इसमें जो घी है वो थोड़ा सा कम है। फिर हम लोगों ने देसी घी इसके अंदर ऐड कर, क्योंकि देसी घी बहुत अच्छे लगते हैं किसी चीज़ में। और जब अच्छी तरीके से भून लिया था, फिर बाजू ने इसके अंदर ऐड कर दिया पानी, जो कि है इस पर जायका था। जितनी क्वांटिटी ज़रूरत है उतनी ऐड कर लिया। यहाँ पर मेरे बच्चे आ रहे थे ट्यूशन वाले, तो मैं उनको पढ़ाना भी स्टार्ट कर दे रही थी साथ। और क्योंकि टाइम हो गया था नमाज के, सब ने नमाज अदा की, और यहाँ पर ऑलमोस्ट बाजू का जो हलवा था वो बन के तैयार हो गया था। और इसका जायका माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। पहले मैंने कहा कि कुछ नहीं है, लेकिन जब मैंने टेस्ट किया तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बन रहा था। यहाँ पर सैनी के कारी साहब भी आ गए थे, तो फिर हमने कहा कि चलिए सबसे पहले कारी को हलवा देते हैं। और यहाँ पर जी हमारा हलवा बन के हो गया तैयार, बहुत अच्छा लग रहा था शाम की चाय के साथ। और फिर इतनी देर में मेरे आगे जी ट्यूशन के बच्चे, तो मैंने उनको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर मेरा मिनी व्लॉग होता है ख़त्म। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अल्लाह हाफिज़।